आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि ब्रॉक लेसनर अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस क्या सुपर शोडाउन में कैश इन करेंगे, अगर सुपर शोडाउन में नहीं तो कहां पर कैश इन करेंगे और किस पर कैश इन करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो शुरू करें आप चीज बता देता हूँ, वीडियो को सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, मेरी कोई भी वीडियो मिस मत करिए। गाइस जैसे कि हमने मनी इन द बैंक पेपर व्यू में देखा, अली जीतने वाले थे मनी इन द बैंक ब्रीफ केस, लेकिन ब्रॉक लेसनर आकर सबको शॉक कर देते और अली को लैडर के नीचे गिरा कर खुद चढ़ जाते हैं लैडर के ऊपर और निकाल लेते हैं मनी इन द बैंक ब्रीफ केस और बन जाते हैं मिस्टर मनी इन द बैंक। ब्रॉक लेसनर को मिस्टर मनी इन द बैंक बनाने का कारण ये है कि WWE की व्यूअरशिप्स काफ़ी कम आ रही है और लेजेंड्स और पार्ट टाइमर्स की भी काफ़ी ज़रूरत है WWE को, इसके लिए ब्रॉक लेसनर को मनी इन द बैंक विनर बनाना ठीक समझा। अगर ब्रॉक लेसनर को WWE ने मिस्टर मनी इन द बैंक बनाया तो ब्रॉक लेसनर के लिए WWE में काफ़ी सारे अच्छे प्लान्स होंगे, इसीलिए विंस मैकमैन ने ब्रॉक लेसनर को बनाया मिस्टर मनी इन द बैंक। जैसे कि हम सब ने मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखा कि ब्रॉक लेसनर रिवील करने वाले थे कि वो मनी इन द बैंक ब्रीफ केस किस पर कैश इन करेंगे, लेकिन ब्रॉक लेसनर कहते कि मैं पूरे साल में मैं कभी भी कैश इन कर सकता हूँ मेरे मर्जी के ऊपर। तो चलिए बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर कहाँ करेंगे अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस कैशिंग। गाइस रूमर्स काफी आ रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस कैशिंग करेंगे सुपर शोडाउन सेथ रॉलिंस और बैरन कॉर्बिन के मैच में। गाइस ऐसा हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर सेथ रॉलिंस के मैच में कैश इन कर ले अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस और बन जाए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन, लेकिन कैसे मैं आपको बता। रेसलमेनिया 35 में हमने देखा कि ब्रॉक लेसनर को लो ब्लो दे देते हैं सेथ रॉलिंस और कर्ल स्टम लगाकर जीत हासिल करते हैं और बन जाते हैं न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। उसके बाद ब्रॉक लेसनर को अपना रीमैच नहीं मिला है और हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर बदला ले ले सेथ रॉलिंस से। गाइस अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर कैश इन करेंगे कोफी किंगस्टन के ऊपर, या फिर ब्रॉक लेसनर सुपर शोडाउन में कोफी किंगस्टन वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर के मैच में कर सकते हैं अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस कैशिंग, या फिर कहीं और भी कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस कैशिंग। गाइस कुछ रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर कैश इन करेंगे अपना ब्रीफ केस समर स्लैम तक। अगर गाइस आप हमारे चैनल पर एक्टिव हो तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि WWE ने डील कर लिए फॉक्स नेटवर्क के साथ और स्मैकडाउन चले जाने वाला है अक्टूबर में फॉक्स नेटवर्क पर, और फॉक्स नेटवर्क चाहता है अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स और रेटिंग्स। तो बस आज के बड़े सही तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो करने से लाइक किया तो कहीं मत जाना, उसके साथ ही साथ कमेंट करके आप लोग हमें बताना कि आपको क्या लगता है ब्रॉक लेसनर किस पर करेंगे कैशिंग, कोफी किंगस्टन या फिर सेथ रॉलिंस। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब मैं फ्यूचर में ऐसी वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।